नमस्कार, वक्त है डायलॉग विद जेसी का। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आज हमारे मेहमान हैं वो अरबपति जो अपनी कमाई का 99% हिस्सा समाज सेवा में लगाते हैं। जाहिर है आप भी उनसे मिलना चाहते होंगे। हम आपको कुछ और बताते हैं उनके बारे में। वो लोगों तक मुफ्त बिजली पहुंचाना चाहते हैं, किसानों की आय 10 गुना करना चाहते हैं, गांव गांव तक साफ पीने का पानी पहुंचाने में लगे हुए हैं। तो चलिए मिलवाते हैं मनोज भार्गव से, जो एक इंडो अमेरिकन बिजनेसमैन है और जाने माने सोशल वर्कर भी हैं। मनोज से बातचीत कर रहे हैं जी हिंदुस्तान और जी रीजनल चैनल्स के सीईओ जगदीश चंद्र। वेलकम टू माय शो। थैंक यू जी। यू आर बीइंग कंसीडर्ड एज ए ब्रांड एम्बेसडर टू भोले बाबा एंड माता मंगला, तो हाउ यू फाइंड योरसेल्फ इन दिस न्यू रोल, कैसा लगता है आपको? नहीं, मैं इसको तो कंसीडर ही नहीं करता हूँ, क्योंकि हमने तो अपना काम दे रखा है, हम काम करते हैं। अब वो कहाँ डाल देते हैं वो तो उनके ऊपर है। और ये जो हम आविष्कार में लगे हुए थे, ये तो यही काम था असली। तो इसको आगे लाने के लिए मैंने कहा, उन्होंने कहा कि तू आगे कर। नहीं जी, जैसे आपकी इच्छा। तो क्या लगता है, ये लोग भी छोटे बड़े भगवान जैसे हैं, धर्मगुरु हैं, आप इनके साथ इतना क्लोजली रहते हैं? मेरे लिए तो ये सब कुछ है, मैं इनके साथ 45 साल हो गए। ओह, तो सभी कुछ सीखा इनसे। श्री भोले जी ने, माता जी ने कहा कि ये सब करना है, हिंदुस्तान की जो मुसीबतें हैं वो कैसे ठीक होंगी। तो ये अगर कोई पूछा जाए तो आप कहेगा ये पागल आदमी, क्योंकि इतनी बड़ा काम तो कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर हमने कहा कि अगर पूछेगा ही नहीं, कोशिश ही नहीं करेगा तो होएगा ही नहीं। तो फिर हमने ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो देखिएगा 5-10 साल में हिंदुस्तान पलट जाएगा। तो एसोसिएशन इन लोगों के साथ आपका कैसे, कब हुआ? मैं पढ़ता था, एक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है, उसमें मैं पहला साल किया था। तो फिर मुझे लगा कि ये भाई पैसे से अलावा भी कोई चीज़ होती है, तो मैंने छोड़ दिया और फिर इस अध्यात्म मार्ग में आ गया। फिर पता चला कि ये जो धंधा चीज़ है ये तो बहुत आसान है। तो ये हमारा काम था कि भाई कोई झाड़ू लगाता है, कोई खाना पकाता है, हम कमाते हैं। तो यूएसएम पढ़ाई किस चीज़ कर रहे थे? असली में देखा जाए तो मैं पढ़ तो क्या रहा था, तफरी मार रहा था। लेकिन हाँ, एक साल पढ़ाई की। तो हंस फाउंडेशन क्या है, कैसे बना? हंस फाउंडेशन का ये है कि श्री माता जी ने कहा कि भाई हमने अध्यात्मिक की तरफ से नहीं, बल्कि जो इतनी तकलीफें हैं लोगों को उसमें भी काम करना है। तो फिर मैंने एक वहाँ कंपनी खोली थी अमेरिका में, तो वो काफ़ी बड़ी हो गई। हमारी सेल करीब 7,000 करोड़ हुआ की है। तो और काफ़ी बनाने लगे, मतलब प्रॉफिट भी बहुत अच्छा था। तो फिर माता जी ने कहा कि भाई अब करते हैं लोगों के लिए। तो फिर हम कई 100 NGOs को देने लगे। ओके। फिर पता चला कि ये तो ज़्यादातर NGOs तो ऐसे थे कि जैसे नदी में रेता डालने के बराबर, डालते जाओ बहता जाता है, कुछ होता नहीं। तो फिर मैंने देखा कि किस तरह से इतना फ़र्क आए, कि फंडामेंटल फ़र्क आए, इतना नहीं बेस से आए कि उसका फ़ायदा रहे, ये नहीं कि भाई इधर कर दिया थोड़ा इधर कर दिया। तो फिर हमने एक जगह खोली, आविष्कार की एक कंपनी खोली और फिर देखा कि भाई चाहिए क्या, आधार है क्या। अब जैसे सब लोग बातें करेंगे एजुकेशन की, रोजगार की, हेल्थ की, लेकिन इन चीज़ों का आधार क्या है? आधार है बिजली, पानी और ये खेती, ये खाद, ये 3 चीज़ हैं पेस। ये ठीक कर लो तो बाकी सब अपने आप ही ठीक हो जाता है। अब लोग कहेंगे कैसे हो सकता है जी, तो आप सोचिए आगे के हिसाब से देखा जाए तो इंटरनेट जो है, शिक्षा वहीं से आनी है, सब कुछ है उसमें। और कहते हैं इंटरनेट हर चीज़ का आधार हो जाएगा, मतलब नॉलेज का। लेकिन आपके पास बिजली नहीं होगी तो इंटरनेट कहाँ से आएगा, ये सोचा ही नहीं। अच्छा, फिर बिजली होगी कैसे? अगर आपने तार भी पहुंचा दिए तो जो आदमी के पास पैसा नहीं होगा वो बिजली का बिल कैसे चुकाएगा?
तो फिर हमने एक ऐसी चीज बनाई जिससे आपको बिल होगा ही नहीं। क्या बनाया? तो हमने ऐसी चीजें बनाई है जो आपका खुद का एक तरह से पावर प्लांट होगा और उससे आप इतनी बिजली कर सकते हो जिससे आप बत्ती, पंखा, टेलीफोन, ये क्या कहते हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट, ये सब आप चला सकते और कोई बिल नहीं आएगा। अब आप सोचिए कि जब हर घर में ऐसा हो जाए तो जो बच्चा को मौका नहीं मिल रहा था आगे बढ़ने का, हिंदुस्तान खोपड़ी बहुत तेज है, मौका चाहिए बस, मौका उसको मिल जाएगा तो पढ़ाई तो जितनी मर्जी पढ़ सकता है। तो इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है इसकी? इसकी है 14,500। लेकिन इसमें ये फायदा है कि अब लोग कहते हैं ये महंगी है, तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो 10 साल के लिए आपको कोई बिल नहीं है, हम 12 साल की इसमें वारंटी देते हैं। मैंने ये सोचा कि आप किसी के पास कम पैसा है और कोई चीज़ थमा दोगे और 2 साल बाद वो टूट जाएगी तो आपने किया क्या? तो हमने कहा ना, आपने एक बार देना है या आप माइक्रो फाइनेंस वगैरह करा लो, 12 साल के लिए हम गारंटी देते हैं, कुछ भी होता है हम ठीक करेंगे। तो ये तो रिवॉल्यूशन हो जाएगा अगर इसे ये सही सच निकला इस तरह से तो। हाँ, ये तो सारा टेस्ट किया हमारे पास टॉप इंजीनियर्स हैं दुनिया में, वहाँ पे विदेश में, तो हमने सब ये बना के और ऐसा बनाया ठोस कि अगर आप, मैंने उससे कहा अपने हेड इंजीनियर से कि 12 फुट से कॉन्क्रीट में फेंको, अगर टूटता है तो फिर से जाओ ठीक करने, ये बना नहीं है अभी ठीक से। हमने एक ऐसी चीज़ बनाई है कि सारी दुनिया से अब मांग आ रही है। अब मैं इस बार हिंदुस्तान इसलिए आया हूँ कि भाई कई लोगों से, ये मिनिस्टर वगैरह से बात हो रही है कि भाई अगर आपको चाहिए पहले तो आप बताओ, और नहीं तो मेरे तो इंडोनेशिया से, जॉर्डन से, अफ्रीका से, साउथ अमेरिका से, साउथ ईस्ट एशिया से, सब जगह हल्ला हो रहा है कि हमें चाहिए पहले। तो पहले हम हिंदुस्तान को देना चाह रहे हैं, तो देखिए यहाँ या तो धीरे चलेगा या जल्दी चलेगा, ये तो कुछ तो ये सरकार को भी करना चाहिए मेरे ख्याल से। डोंट यू थिंक इट विल बी गेम चेंजर? सरकार क्या करेगी? आज जो पेट्रोलियम मंत्रालय है, धर्मेंद्र प्रधान की उज्ज्वला योजना है, वो फ्री कनेक्शन दे रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसे पावर वाले फ्री कनेक्शन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा 4 करोड़ कनेक्शन देंगे, तो आपका ये प्लांट आने से तो बिल्कुल गेम चेंजर है, बिल्कुल फ़र्क हो जाएगा। असल में अभी क्या है, सारी दुनिया में ये है कि जो घर में है बिजली उसको सरकार सब्सिडी देती है, सारी दुनिया में, कंपनियों को नहीं देती, फैक्ट्रियों को नहीं देती, सब्सिडी वहाँ देती है। तो एक्चुअली बिजली वाले आपको बिजली देना नहीं चाहते क्योंकि उनको घाटा होता है इसमें, और सरकार खर्चा करती है सब्सिडी देने के लिए। तो अगर लोगों की जो 80% लोग हैं हिंदुस्तान में, अगर उनके पास ये चली जाती है तो आप जो बड़ी बड़ी वो बनाओगे कोल की, जो भी बिजली वाली हैं, उसमें कमर्शियल में जाने दीजिए, वो वही उसी के लिए होना चाहिए। बाकी सब जो 80% है वो इससे हो जाएगा। अब आप कह रहे हो गेम चेंजर, गेम चेंजर तो पॉलिटिक्स में भी हो जाएगा। 70 साल से ये बिजली नहीं ला सके, प्रधानमंत्री कहते हैं 70 साल ने कुछ नहीं किया, तो ये बिजली ला नहीं पाए अभी तक। ऐसे हैं, मैंने देखे हैं लोग जब गांव गए कि अगर बत्ती दिखा दो तो बुझाने के लिए उस पर फूंक मारते हैं, उनको ये नहीं पता कि बिजली होती क्या है। तो अगर इन्होंने बिजली दे दी एक एक जने को, तो आप सोचिए पॉलिटिक्स में भी कितना फर्क पड़ जाएगा। ये हमने दूसरी चीजें बनाई हैं, पानी में कितना फर्क पड़ जाएगा। पानी में क्या किया है, क्या कर रहे हैं? पानी में हमने देखा, पहले तो हमने बनाया था समुद्र पानी को ठीक करने के लिए, फिर हमारे को ख्याल आया, किसी ने कुछ सोचा ही नहीं कि अगर खारे पानी को ठीक कर दो, वो तो अथाह है सब जगह, सालों की चक्कर खत्म हो जाएगा अगर आपने खारा पानी ठीक कर दिया। और खारा पानी ठीक करना इतना मुश्किल नहीं था जितना समुद्र का पानी ठीक करना था। तो हमने एक ऐसी मशीन बनाई है जो दिन में 60,000 लीटर पानी ठीक कर देगी, और सिर्फ उसकी मोटर होगी 1.5 किलोवाट, मतलब इतना सा जनरेटर, जितना हेयर ड्रायर होता है उतने में आपकी ये मशीन चल जाएगी। कॉस्ट उसकी अभी लगाई नहीं है, मई में हम मतलब टेस्ट कर लिया है, बल्कि कई गांवों में हमने लगा भी दिया है, तो कॉस्ट अभी पता नहीं, मेरे को 2-3 लाख के करीब आएगी। लेकिन एक
मशीन पूरा गांव कर देगी। अच्छा, तो आज कंट्री में आपको क्या लगता है क्वांटम ऑफ प्रॉब्लम कितना है फ्लोरिड वाटर का, पोल्यूटेड वाटर का? पानी का, पानी आधार है। और अभी क्या हो रहा है कि आप जानते ही हो कि पहले 100 फुट पे था, फिर 200 फुट पे था, फिर 500 फुट पे था। तो किसी दिन जब पंप करेंगे कुछ नहीं निकलेगा तब बैठ के रोएंगे। अभी तो कह रहे हैं अच्छा चलो और कर लेते हैं, और कर लेते हैं। तो इसकी अगर अभी से नहीं करनी शुरू करी तो साल भर दो साल में महाराष्ट्र जैसा हाल हो जाएगा। सब जगह हो जाएगा, एक जगह थोड़ी ना। हमारी जो ब्रेड बास्केट है पंजाब हरियाणा ये सब इनमें ख़त्म हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे, क्या खाओगे, क्या? तो ये तो ये इतनी बड़ी चीज़। देखिए बात ये है कि सरकार का ये काम नहीं है जो हम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास भाई सरकार क्या कर सकती है, वो स्कीम निकाल सकती है, पैसे दिलागा सकती है, लेकिन आविष्कार करना सरकार का काम नहीं है। ये तो हमें करना पड़ेगा ना, किसी को तो लेना पड़ेगा। तो वो हमने कहा कि हम करेंगे। एग्रीकल्चर में कुछ कर रहे हैं रेवोल्यूशन? एग्रीकल्चर शायद हो सकता है सबसे बड़ा, क्योंकि हमने एक ऐसी चीज़ निकाली है, इंट्रोड्यूस की है, जो किसान 18 दिन में अपना खुद खाद बना सके और ज़ीरो कॉस्ट। तो इस समय क्या हो गया है कि किसान किसके लिए काम करता है? यूरिया वालों के लिए, ये बीज वालों के लिए, कीटनाशक के बारों के लिए और डीजल वालों के लिए। ये चार जो हैं उसका 98% पैसा खा जाते हैं। तो वो जो है बेचारा, अगर इतना हो जाए कि वो खा ले, भाई उतना ही बहुत है। तो हमने क्या किया, हम खाद ऐसी बनाएंगे कि वो खुद बना सके और सिर्फ लेफ्ट ओवर वेस्ट से, एग्रीकल्चर वेस्ट, पत्ते और गोबर, तीन चीज़ लगती हैं, और आप 18 दिन में इतनी बढ़िया खाद बना देंगे कि आपको जो मिलेगा उसकी क्या कहते हैं जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी, और पर किलो पानी आधा लगेगा, तो आपका जो खाना है वो इम्प्रूव हो जाएगा, देश के स्वास्थ्य इम्प्रूव हो जाएगा। इतनी बड़ी चीज़ है, और किसान जो कि हमारे 80% लोग, 75-80% लोग हैं, वो कमा पाएंगे। ये नहीं कि यूरिया वालों को दे दिया पैसा और धरती को भी नाश कर दिया। डोंट यू थिंक कि ओवर एम्बिशियस प्लान है, इतना बड़ा रेवोल्यूशनरी प्लान? देखिए जी, ऐसा है कि अब 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, लेकिन अगर शुरू नहीं करेंगे तो होगा कैसे? और हमने ऐसी चीज़ें बनाई हैं, आविष्कार ऐसे किए हैं जो कि आसानी से आगे बढ़ाए जा सकते हैं। ये नहीं कि बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं और इसमें इंडस्ट्री चाहिए और हर तरह के वो चक्करबाजी चाहिए, कुछ नहीं। इतने आसान है, बिजली देखिए, मैं आपको डब्बा लेके ये दे देता हूँ, बिजली हो गई। इससे आसान तो नहीं हो सकता ना। अच्छा, खाद का ये है कि हमने किताबें बना रखी हैं और यूट्यूब और उस पर इंटरनेट पर लगा रखा है, खुद ही सीख लो, खुद ही कर लो। और फिर हम ये स्कूल बना रहे हैं यहाँ। अगर आपको उससे भी दिक्कत होती है तो कई स्टेट एक्चुअली हमें भेज रहे हैं लोग कि उनको ट्रेन कर देंगे, ट्रेनर्स को ट्रेन करेंगे, वो भी ये फार्म रेवोल्यूशन आएगा ना तो हिंदुस्तान बन जाएगा। आपने जो इनोवेशन आप कर रहे हैं इस पर इन लोगों का, भोले बाबा और माता मंगला का क्या रिएक्शन था? क्या, हाँ वो तो अब जो किया है हमने तो वो तो भाई ऐसी गजब की चीज है, उन्हीं की प्रेरणा से कर रहे हैं। आप उत्तराखंड में ऑपरेट करते हैं तो आप बेसिक इश्यूज को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो वहाँ एक बेसिक इशू अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन पहाड़ से, उसमें भी कुछ सोच रहे हैं कुछ? बिल्कुल, देखिए आधार ऐसी चीज़ होती है कि जब आधार पे आप काम करें तो बाकी सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अगर जब वो खेती करेगा और उसको उससे ज़्यादा पैसा बच पाएगा तो क्यों जाएगा कहीं? अच्छा, दूसरी चीज़ है रोज़गार की, एजुकेशन, ठीक है ना? अगर आप ऐसी एजुकेशन कर दो जो कि सबको मिल सके बिना स्कूल के, आगे ऐसा ही होगा। आप हजारों लाखों स्कूल नहीं बना सकते। अरे भैया, इंटरनेट दे रखा है आपको, सब कुछ अवेलेबल है, आप उसमें जाइए, क्लासरूम है, आप मैथ सीखिए, सब कुछ सीख सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं, जो भी आप सीखना चाहें सीख सकते हैं। तो आगे तो उसी से होगा, लेकिन उसको कैसे होगा जब तक बिजली नहीं होगी? तो पहाड़ का एक और चैलेंज, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो ये होगा, ये सब चैलेंज आप मीट आउट करेंगे? बिल्कुल, ये तो यही हमारा काम। अगले
और बहुत से लोग अब जो हैं, जो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं, वो इसको समझ रहे हैं। मतलब अभी कई लोगों से मिला मैं उत्तराखंड में, अभी वो हुआ था ना, तो खैर खबर में आया था रायबार, तो उसमें चीफ मिनिस्टर थे और जनरल साहब, जनरल रावत थे, और कोस्ट गार्ड के डीजी थे, और बड़े बड़े लोग थे। सब ने जब देखा, उन्होंने कहा भैया ये तो गजब है। मैंने ये देखा है जितने अकल वाले हैं वो देखते हैं, दो मिनट में सबको लग जाता है कि अरे बाप रे बाप, ये तो सच में पलट देगा। एक और चैलेंज आपके वहाँ है टू प्रमोट रिलीजियस टूरिज्म इन बद्रीनाथ केदारनाथ, इसके लिए भी कुछ प्लान बना रहे हैं कुछ? मैंने इसके बारे में भी वहाँ बोला था उस रविवार में, मैंने कहा देखिए हमारे हिंदुस्तानी बहुत चतुर हैं, वो जितने लोग आते हैं उनसे आमदन डबल कर देंगे, लेकिन मौका तो दो। और मौका कैसे दोगे जब शाम को अंधेरा ही हो जाएगा और कुछ नहीं कर सकते? अब फिर शाम को भी कमाएंगे उनसे जो टूरिस्ट आए, जब बत्ती होगी तो शाम को भी कमाएंगे, बत्ती होगी तो और चीज़ें होंगी तो और चीज़ें बनाएंगे, चाहे उनको प्रसाद बनाए, लड्डू बनाए, चाहे जो भी कुछ है, लेकिन हमें, हमारे लोग बहुत चतुर हैं, वो निकाल लेंगे तरीका, लेकिन अब मौका ही नहीं है। तो भैया एक ये और एक ये 11 बन जाएगा। बनस्पत की बड़ी बड़ी स्कीमें ऊपर से आती हैं और फिर एक्सिक्यूट नहीं हो पाती क्योंकि आपने बेस में तो कुछ किया ही नहीं। तो गंगा की सफाई का भी कुछ कर रहे हैं इस सारे माहौल में? गंगा जी का सफाई तो यह होगी कि जो हमने मशीनें बनाई हैं पानी साफ करने की, वो इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, और इतनी छोटी छोटी होंगी। ओके, तो हम ऐसी बना रहे हैं कि आप आधे घंटे में उसको असेंबल करके और चालू कर दीजिए। अब जैसे हमने, अगर गंगा जी को साफ करना है तो जहाँ से निकल रहा है खराब चीज़ वहाँ पे करना पड़ेगा। अच्छा, उनकी भी ये गलती नहीं है कि उनके पास कोई तरीका ही नहीं है साफ करने का, तो वो सीधे अंदर डाल देते हैं। अगर उनके पास होगा और गवर्नमेंट कहे, अब गवर्नमेंट भी कैसे कह दे कि भैया फैक्ट्री बंद कर दो, तो रोजगार की मुसीबत हो जाती है। पॉलिटिक्स भी तो तगड़ी चीज़ है। तो अगर उनके पास तरीका होगा कि भाई ये मशीन लगानी पड़ेगी, लगा देंगे, लेकिन इस समय है ही नहीं कुछ, वो सार पानी डाले कैसे? तो अब हम उस पर ये काम कर रहे हैं कि भाई आप ये मशीनें लगाइए, पानी साफ करिए, जो गंगा जी में गिराओ पानी वो साफ होना चाहिए, पहले से ही साफ हो। आप इतने बड़े प्रोजेक्ट ला रहे हैं और चैरिटी भी करते हैं बड़े पैमाने पर, इतना सारा पैसा कहाँ से मैनेज होता है? देखिए जी, मैं बिजनेस करता हूँ और लोग कहते हैं कि शायद मेरे को थोड़ा बहुत आता है बिजनेस करना, तो हम काफ़ी कमाते हैं, लेकिन उस कमाई के करें क्या? मुझे खिलौनों का शौक है नहीं कि हाँ बड़ी बिल्डिंग बना लो, अपने घर बना लो, कारें खरीद लो, ये तो बच्चों के, मतलब जब 10 साल के थे तब ये सब शौक थे, अब ये सब शौक है नहीं। शौक वो है कि ऐसी चीज़ करें जो जिससे दिल पे लगे कि हाँ कुछ किया। इतना संत भाव कैसे मन में आया लग्जरी छोड़ के अमेरिका की? नहीं देखिए, ये संत भाव मैं नहीं मानता, ये है मेरे में, मैं तो ये सोचता हूँ कि मुझे इसमें मज़ा आता। काम, जिस कुछ लोग हैं उनको काम में ज़्यादा मज़ा आता है, कुछ लोग हैं जिनको छुट्टी में मज़ा आता, हम वो वाले हैं काम में मज़ा आने वाले। तो एक बार मैंने कही थी एक स्पीच में, मैंने कहा जो जिसको काम का शौक है, जिसको काम का नहीं शौक है उसको 2 हफ्ते की छुट्टी मिलती है, जिसको काम का शौक है उसको 50 हफ्ते की छुट्टी मिलती है। वाह। तो क्या इतनी लोकप्रियता है भोले बाबा मंगला माता, क्या कभी राजनीति में इनको लेके जाएंगे ऐसा लगता है? राजनीति एक बार किसी बड़े, मैं नाम तो नहीं लूंगा, बड़े भारी जो थे यहाँ पे, उन्होंने मेरे से कहा कि भाई तू मिनिस्टर की लेवल की। मैंने कहा मेरे को डिमोशन दे रहे हो क्या? आप तो मेरे को प्राइम मिनिस्टर भी बना दोगे तो मैं डिमोशन सोचूंगा, क्योंकि मुझे अपने काम का शौक है। माता जी को भी यही है कि भाई यहाँ पे शायद बहुत लोग पॉलिटिक्स को बहुत ऊंचा समझते हैं, हम नहीं समझते, वो भी एक नौकरी है आप कर रहे हो। माता जी को पूरे उत्तराखंड में और कुछ और राज्यों में भी गरीबों का मसीहा ये सब कहा जाता है, तो कितना इन्वॉल्वमेंट है आप लोगों का उत्तराखंड में, दूसरी स्टेट्स में वेलफेयर स्कीम्स में? तो ऐसा है कि माता जी की तो एक आदत है, वो है देना, उनको देने का शौक है। यार कोई भी आ जाता है मना नहीं करते, हमारा काम है
इधर से कमाना, उनका काम है देना। आप देश विदेश में इतने ऑपरेशंस कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑपरेशंस कर रहे हैं, सुना इंडोनेशिया सरकार के साथ भी कुछ कर रहे हैं, वो क्या है? नहीं, इंडोनेशिया सरकार से नहीं कर रहे, लेकिन वहाँ पे लोग हैं जो, वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम मुसीबत है कि भाई बिजली नहीं है, और बिजली है तो उसका चुका नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत मांग हो रही है। साउथ अमेरिका में भी यही है, एक बहुत बड़ा शहर है वहाँ, जो अगर वहाँ बंद हो जाता है वो शहर, क्योंकि पानी आ ही नहीं रहा, हर लोग आ रहे हैं। अब जॉर्डन में रेफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम है, वो कैंप्स तो बना रखे हैं, अगर आप उनको काम कुछ नहीं दोगे तो बदमाशी करेंगे, आप उनको बिजली दे दोगे तो इंटरनेट पे होंगे तो वहाँ से बैठ के नौकरी करेंगे। सब जगह ये आधार वाली चीज़ जो है, सब जगह मांग हो रही है। तो अभी मैं डर के मारे किसी को वहाँ पे जा नहीं रहा हूँ, मैंने कहा पहले हिंदुस्तान देख लेते हैं, अगर इनको इंटरेस्टेड नहीं है तो यहाँ धीरे धीरे करेंगे। लेकिन अब जैसे उत्तराखंड में है, तो त्रिवेंद्र जी ने हमसे खरीद रहे हैं करीब 1 लाख यूनिट कि उन सबके पास बिजली पहुंच जाएगी। हाउ यू फाइंड द न्यू चीफ मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर मुझे तो पसंद इसलिए भी आए क्योंकि सब अपने जैसे लोगों को पसंद करते हैं तो उन्होंने शुरू से काम किया है, बिल्कुल जीरो से, और ऐसे ही हर चीज़ में मेहनत की है पूरी ज़िंदगी। 8 गांव में आप भी कुछ कर रहे हैं सुना है उत्तराखंड में? हमने तो मतलब कुछ तो हमने बांट दिया ये चीज़ें, जिससे कि बिजली की, और उसके अलावा उत्तराखंड में तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, कई हॉस्पिटल हैं, कई जगह, हर तरह से वहाँ पे हम लगे हुए हैं। वो तो माता जी ने की आज्ञा थी मेरे लिए कि भाई वो करना है, तो माता जी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, वही कर रहा हूँ। लगता है आपको माता जी, पिछले साल मैंने उनका इंटरव्यू किया था, बहुत ही शांत चित्त, दैविक शक्ति, ऐसा लगता है कोई ना कोई दैविक शक्ति है उनके पास, है ईश्वर की कृपा है? ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जिसका दिल होता है वो पहचान सकता है, और जिसका नहीं होता वो नहीं पहचान सकता, सीधी बात तो ये। अभी प्राइम मिनिस्टर गए थे बद्रीनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ गए थे, तो क्या लगता है उनके आने के बाद अपलिफ्टमेंट होगा एरिया का, कुछ डेवलपमेंट? देखिए, डेवलपमेंट हमारे तौर से कि जब तक आधार से नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता, है ना? और प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक तो की है कि जो ये सौभाग्य बिजली का बनाया है उसमें हमारी भी ये आ जाती है। अच्छा। हाँ, बल्कि उन्होंने अनाउंस किया था कि एक पावर पैक आएगा, उसमें 5 बत्ती होंगी, कई साल का वो दिया जाएगा, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था। आपने बताया अपने एक्सपेरिमेंट का भी? मेरे ख्याल से उन तक पहुंच गई थी बात, मेरे ख्याल से, और नहीं तो 5 बत्ती हमारी ही है और पावर पैक भी हम ही कहते हैं उसको, तो मेरे ख्याल से उनको पता है कि सब जगह ऐसी तार वाली बिजली नहीं पहुंच सकती। अब फिर धीरे धीरे मेरे ख्याल से लोग, इनको पता चलेगा कि इतनी महंगी पड़ रही है, और फिर आप जानते हो जब ये पोल होंगे और तार होंगे तो हेरा फेरी भी बहुत होती है, इतने कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, रास्ते में लोग पैसा लेंगे, ये सब होगा। इसमें तो ये है कि आप बेईमानी भी कर ही नहीं सकते, अगर बेईमानी करोगे भी तो भी किसी घर में तो पहुंच जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा। आज सारे देश में नरेंद्र मोदी की चर्चा है, एक नागरिक के नाते हाउ यू रेट हिम एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री? मुझे ईमानदारी से तो एक चीज़ अच्छी लगी कि वो कुछ कर रहे हैं। अब जो कर रहे हैं हर चीज़ से तो मैं अग्री करूं या ना करूं, लेकिन कोशिश तो आदमी करे, जब तक आगे कुछ करेगा नहीं, अब जब करेगा तो लोग, तभी तो गलती करेगा, अगर कुछ करेगा ही नहीं तो गलती कैसे करेगा, है ना, या सही कैसे करेगा? तो ये उनमें एक चीज़ तो है कि वो अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं, बनस्पत की नहीं, नहीं बस वही चलने दो जो चल रहा है। वेरी ब्रिलियंट थिंकर एंड ए ब्रिलियंट पर्सन, क्या लगता है नोटबंदी GST, आप इसको किस तरह देखते हैं? नहीं, देखिए GST की एक अच्छी बात है जो कि इससे सरकारी हेराफेरी कम हो जाएगी, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग मेरे से कहते हैं भाई यहाँ क्यों नहीं बिजनेस करते हो, मैंने कहा हाथ जोड़े 25 लोग आ जाएंगे रोज़ कि भाई ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, ये
मैं नहीं करूँगा यहाँ, क्यों हमारे जैसे लोग नहीं करेंगे यहाँ बिजनेस, क्योंकि ये इसी इतनी मुसीबत कर देते हैं कि यार सीधी सादी बात है, हम बनाना चाहते हैं और ये बेचना चाहते हैं, अगर ऐसा कोई सीधे करने दो तो ठीक है, और आप हर रोज़ वो आ जाओ कि भाई थोड़ा ये दे दो थोड़ा वो दे दो, तो मैं मेरे बस का नहीं है। और फिर नोटबंदी का तो यह है कि शायद हाइंडसाइट में अगर थोड़ा धीरे करते, हाँ फेजेस में करते तो बेटर, लेकिन उनको भी पता है ये तो पता कि करने के बाद ही आदमी कहता है कि ऐसा क्यों किया, वो तो करके ही पता चलता है कि गलतियाँ क्या हैं। राइट, और ये स्वच्छता अभियान जो प्राइम मिनिस्टर का है, हाँ इससे आप भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं इन वे? नहीं, मैं सोचता हूँ कि पहले, इससे पहले हम पानी साफ करें भाई, अगर आपने टॉयलेट भी दे दिया ये सब कर दिया ये सही, ख़राब नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी पहले क्या आती है, जैसे घर के बनाने से पहले नीम आती है, वैसे ही साफ पानी जो है वो पहले आता है। तो आधार तो साफ पानी है, सफाई है, अगर पानी साफ नहीं होगा तो बाकी सब वो साफ हो या हो ना हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया में मुझे तो लगता है अभी टाइम लगेगा, मतलब जिनको हिम्मत है वो कर रहे हैं और अभी कर सकते हैं, बल्कि हमारा भी, हम भी अभी बात करेंगे कि अगर ये इन्होंने बहुत इसको चलाया आगे, तो हम यहाँ के लोगों से पार्टनरशिप करके ये सारा जो बिजली का हम बना रहे हैं ये सारा यहाँ बना देंगे। अब वो तो इनके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। आप भी एक आस्थावान आदमी हैं, तो क्या सोचते हैं कभी कभी कि राम मंदिर बनना चाहिए? पता नहीं, मेरे को ये इसके बारे में इतना पता नहीं है, मुझे तो ये ज़्यादा पॉलिटिक्स लगती है, धार्मिक नहीं लगता। यू आर हैप्पी विद योर लाइफ एंड ऑल दिस? मेरी लाइफ से बढ़िया तो कोई होगी नहीं। वाह। क्योंकि मेहनत करने को मिलती है, अच्छे काम करने को मिलता है, और बाकी मुझे कुछ चाहिए नहीं। कोई रिग्रेट नहीं है यूएस की लाइफ छोड़ के उत्तराखंड की पहाड़ियों में घूम रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं? रिग्रेट क्या, इतना बढ़िया काम मौका किसको मिलता है। वाह। जो अगर आपको जो शौक हो वो मिल जाए, और काम करने का शौक सबसे बढ़िया शौक है, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो आप खुश हैं मंगला जी की, माता जी की सेवा में भोले बाबा के साथ, और अब बिजनेस को आगे देश में बढ़ा रहे हैं, गेम चेंजर बनने का एक रास्ता आपने दिखाया है कंट्री को। हाँ, उन्हीं के सिखाए हुए प्रिंसिपल्स पे बिजनेस भी कर रहा हूँ, कि उन्होंने हर चीज़, एक एक चीज़ बहुत साल पहले सिखाई थी, उसके बाद बिजनेस तो बाएं हाथ का खेल। वाह, ये तो कोई खास बड़ी बात नहीं। उनके प्रति आपकी जो आस्था है इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मनोज भार्गव का मानना है कि अगर आधार पर हालात दुरुस्त कर दिए जाएं तो लोग अपनी समस्याओं का हल खुद निकाल लेंगे। डायलॉग विद जेसी में फिलहाल आज के लिए इतना ही, आगे खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।